22 दिसंबर को बाबा नीम करौली के आश्रम में भंडारे में सम्मिलित होने के बाद वापस निकलते हुए घर के लिए ये रास्ता देखिए। ये बाईं तरफ जो क्रॉस करके गोमती को उधर निकल जाती है हज़रतगंज की साइड, उसके ऊपर मेट्रो का स्टेशन जो कि उधर विश्वविद्यालय से आ रहा है, आगे केडी सिंह बागू स्टेडियम है अगला स्टेशन। तो ये स्थान है, देखिए आप लोग इसको समझ लीजिए। उसके नीचे कहाँ पे है ये सत्य प्रेम मंदिर, नीचे सामने हनुमान सेतु के नीचे, जो हनुमान सेतु का बड़ा मंदिर है मेन रोड पे ऊपर, उससे नीचे आना है आपको। बिल्कुल ये देखिए, पीछे पीछे ये रास्ता है, ठीक इसी के सीध में रास्ता है ये। देखिए मैं नीचे को जा रहा हूँ, ये ऊपर चढ़ रहा हूँ इस समय, देखिए उल्टा चढ़ रहा हूँ, सीधे सामने जो रास्ता गया वो सीधे आश्रम में गया बाबा का, जो उनका अपना आश्रम है। देखिए सीढ़ी से नीचे उतरना है, सीधे ऊपर देखिए मेट्रो लाइन जो उधर विश्वविद्यालय, ये इधर दाहिनी तरफ निषादगंज हनुमान सेतु मंदिर, पीछे देखिए रास्ता आ रहा है इधर से, ये सामने से ये इधर जाएंगे तो सीधे आप निकल जाएंगे निषादगंज। सीधे जाने के बाद बाएं जाना पड़ेगा आपको निषादगंज, ये मेट्रो स्टेशन जो इधर दाहिनी तरफ जा रहा है विश्वविद्यालय के लिए, और इधर बाएं जा रहा है केडी सिंह बाबू स्टेडियम। सामे अवध साने अवध लखनऊ की चकाचौंध, हनुमान सेतु का पुल, सीनिक ब्यूटी, ट्रैफिक कितना ट्रैफिक है देखिए इस समय, ये मेन लिंक है उधर जाने के लिए। आज बाबा की अति के कृपा के कारण 22 दिसंबर 2021 को पहली बार देखिए मेट्रो विश्वविद्यालय से आ रही है, इधर जा रही केडी सिंह बाबू स्टेडियम, आगे चारबाग की तरफ जाएगी। जय बाबा नीम करौली। बाबा की अहितु की कृपा कारण आज भंडारे में शामिल होने का मौका मिला। हनुमान जी हनुमते नमः, हनुमान सीताराम जय बजरंगबली। देखिए आरती का समय दिया हुआ है।
कल शनि और रविवार को पूरा दिन खुला रहेगा मंदिर। कुछ और आवश्यक सूचना लिखी हुई है, लेकिन ये रास्ता जाते हुए इधर ये देखिए, सीनी ड्यूटी हनुमान सेतु मंदिर। कार करना पड़ेगा,